असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने आज राज्य भर के थानों के पुलिस प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को अपराधियों के प्रति सख्त और आम जनता के प्रति संवेदनशील होने की पाठ पढ़ाई। मुख्यमंत्री ने एक शिक्षक की भांति पुलिसकर्मियों के उनके कर्तव्य को याद दिलाई। अपराधियों के खिलाफ असम पुलिस को सख्त होने का निर्देश, आम जनता के प्रति मानवीय व्यवहार करने की हिदायत। मुख्यमंत्री ने असम पुलिस को नरमी के साथ सख्ती का पढ़ाया पाठ। असम में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने और पुलिस तथा नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने आज असम पुलिस को सीख दी। मौका था राज्य के सभी थानों के पुलिस प्रभारियों के सम्मेलन का। इस दौरान गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारियों को उनके कर्तव्य की सीख दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारियों को बलात्कारियों के खिलाफ और सख्त होने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बलात्कारियों की जात धर्म देखी नहीं जाएगी। थाना एरिया जेतिया एटा दुटा एग्जेम्पलरी मानुहे पानिशमेंट पाबो कन्विक्शन पाबो रेप नुलाय रेप करा मानु नुलाय मानुहर मनत एटा धारणा आसे जे रेप हबो रेपर बिषय कम्प्रोमाइज हो जाबो कम्प्रोमाइज होले थाना केस तो ना जाबो सार्चिट नहबो इजनक जेतिया रेप करार बिषय एजन मानु जेतिया फ्रीली घुरी फुरे जेलर परा उलाय आहे सार्चिट निदियार कारणे तेतिया आरु एजन मानुहे रेप करिबर कारणे इन्स्पिरेशन पाय रेप केस आमी कियोस आमी सार्चिट दिबो नोर तातु मात्र दुई पन्ना हे लिखिबो लागे आमी लिखिबो लागिबो कारण मोर मा रेप करिसे मोर भन्ती रेप करिसे मोर सोवाली रेप करिसे हे सोवाली जने मोर मा न होय जानो मोर भन्ती न होय जानो मोर निजो सोवाली न होय जानो। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में शीघ्र ही चार्जशीट दाखिल करने का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि समय पर सभी चार्जशीट सौंपी जाए तो 50% मामले यूं ही कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चार्जशीट न सौंपे जाने के कारण अपराधियों को बेल मिल जाती है, जिसके कारण वे और दुस्साहस करते हैं। हमें तो केस बहुत पहला ही था, एटी तो नहीं जब केस पड़ी है सर। 50% असम पुलिस और केस कमी जब हो पड़े, जो भी हमें क्विक चार्जशीट दियो, এটা লিস্ট বনাই লোক যে রেপ কে যিমান জমা হৈ আছে মার্ডাৰ কে যিমান জমা হৈ আছে আমি নেক্সট 6 মাহত সব সার্চিট দি দিম। আজিকালি আপোনালোকৰ যিবিলাক সিপাহী গৈছে এমএ পাস কৰা লৰা গৈছে বিএ পাস কৰা লৰা গৈছে এনেকুৱা নহয় যে লড়াই নাজানে সবক বহুৱাই থানা টিম এটা কৰি লওক সিআইডি আজিকালি সার্চিটৰ আপোনালোকক নমুনা পঠাই দিছে যদি লাগে আপোনালোকে হেল্প খুজিব আপোনালোক ওসি হলেও আইজিপি কো যদি ফোন করে আইজিএসবি কো ফোন করে আইজিসিআইডি কো ফোন করে এভরিবডি উইল কল ইউ ব্যাক টু হেল্প ইউ ডিএসপি সকল থাকিব আপোনালোকে লগত বহিব টিম এটা বনাই লব ছমাহত অল কেস যিমান মার্ডার কেস আছে রেপ কেস আছে এক্সটর্শন আছে ড্রাগস কেস আছে আর্মস কেস আছে নেক্সট 6 মাহত যেতে আপোনালোক মোৰ ওচৰত আহিব সার্চিট নীল কৰি আহিব। वही मुख्यमंत्री ने खुद की सुरक्षा और जनता के हित में अपराधियों से निपटने की खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त से उसके हथियार लेकर भागने की कोशिश करता है तो देश का कानून पुलिस को अपराधी के पैरों में गोली मारने की इजाजत देता है। পুলিশে তাকতো বুকুত গুলি মারিব না লাগে কিন্তু ভরিত গুলি মারাতো লয়ে কয় সব তাক অসম পুলিশে কোনো ভয় করিব লাগিয়া না আজি দুজন মানুহ কিডনেপ করি লৈ গৈছে পুলিশক রিটালিয়েট কৰিছে পুলিশে তাক খায় নকইলে পুলিশজন নিজে মৰিব লাগিব দেখো কিন্তু এই যেটো আইনে আমাক যিখিনি কাম কৰিব অনুমতি দিছে সেই কামখিনি কৰাৰ আগতে আমাৰ কনসিয়েন্সত আমি ক্লিয়ার থাকিব লাগিব যে আমি যিটো কৰিছো সেইটো আমি ফর দা পাবলিক কৰিছো ইয়াত আমাৰ কোনো ইন্টাৰেষ্ট নাই। वही मुख्यमंत्री ने नौकरी पासपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट के मामले में पुलिस को लोगों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को स्वयं लोगों के घर जाकर वेरिफिकेशन रिपोर्ट अथवा सर्टिफिकेट देनी चाहिए।
এটা পুলিশ ভেরিফিকেশন ডিসপোজ করতে সাত দিনতক সময় নল এতিয়া আমার 1,00,000 চাকরিও হব বহুত ভেরিফিকেশন আপনার ওসর আহিব ডেটা রেডি করে থই দিও কোনবোৰ মানুহ বেয়া কোনবোৰ মানুহ ভাল কিন্তু পুলিশ ভেরিফিকেশনের কারণে কোনো থানাত নাই আপনাদের উল্টাই কব যে মই করে দিল স্যার আপনাদের ফোন করব যে বাবা তোমার কামটো করে দিল যিমান ডেথ কেস আছে ট্রেফিক রোড ট্রেফিক এক্সিডেন্ট কেস আছে তার যাতে রিপোর্ট বিধবা মানুষগুলির হাতত বাচ্চার হাতত 15 দিনত গৈ পায় পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অহার পিছত থানাত যাতে একদম না থাকে সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগরিকক বাদ দি বাকি যিসকল অসমৰ মানুহ ভাৰতৰ মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকক পাছপোৰ্টত ৰিপৰ্ট দিওঁতে আপোনালোকে সময় নলব। মুখ্যমন্ত্ৰী নে অসম পুলিচক জনতা কে দোস্ত কে ৰূপ মে পেশ আনে কি সলাহ দি उन्होंने कहा कि असम के पुलिस थाने ऐसे होने चाहिए जहां अगर कोई फरियाद लेकर पहुंचता है तो उसे सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। पुलिस फोर्स विचारो जीटू फोर्स लोई आमी गौरव करिबो पारो जीटू लोई आमी इंस्पायर होबो पारो जे यस आमी सुरक्षित होय आस मानु तेती है खूब जति आपन लोग हारे थकिबो নলে মানুহ কেনেকে খুব ক্রিমিনেলে অসিক ভয় করব লাগবে আর সাধারণ মানুষে বিশেষ দুখিয়া মানুষখিনি আপনার আশ্রয় স্থল বলে ভাবিব এজনী মহিলাক যেটা কোনোবাই রেপ করব খুঁজব তাই দৌড়ি দৌড়ি আহি থানাত পাব তাই ভাবিব নালাগিব যে থানা সোমাল আকৌ মোক কোনোবা উলুটাই রেপ করে দিব নাকি মানুষজনীয়ে ভাবিব লাগিব যে থানাখনত সোমার পিছত মই ঘরতকৈও বেশি নিরাপদ মোৰ ঘৰৰ ওচৰত মই স্বামীৰ ওচৰত যিমান নিৰাপদ তাতকৈ বেছি নিৰাপদ মই থানাখনৰ ভিতৰত সোমাই গলো। अंत में मुख्यमंत्री ने गौ तस्करी के मामले में अपने तेवर कड़े करते हुए कहा कि किसी भी थाने के अधीन गौ तस्करी का मामला सामने नहीं आना चाहिए। गुरु समान भगवान कुनु नहीं गुरु तो कुनु सुर हो गई ना लगे गुरु रूपट कैसे हो गई ना लगे गुरु खुमाबो ना लगे गुरु जुने लगे तक खेती खेती धुरी बोले। मुख्यमंत्री की सीख को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो वे असम पुलिस को अपराधियों के लिए काल और आम जनता के लिए दोस्त के रूप में देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।